ओके सो आज है विकी सिटी का फ्रेशर्स मीट और हम आया है वीडियो बनाने अच्छे के साथ। आज हम के स्पेशली बुलाया लिमा सक के साथ। बहुत गर्म है वीडियो यहाँ साथ वीडियो हाथ सो बहुत वील नीड ऑक्सीजन बट वी आर ड्रिंकिंग चंगा रहा। ओके फिलहाल एक भाई गाना गा रहे हैं, इंट्रोडक्शन राउंड चल रहा है तो बहुत अच्छा गाना गा रहा है। सब देखो सारी सारी रात जगाए बात जुदाई वाली। क्या डांस किया तंद्र में, क्या डांस था ये तो क्या ही करता। नाइस नाइस यहाँ में ये लोग बिजी है। कुछ भी ब्लॉग अच्छा खाना स्पेशल बनाने के लिए। हाँ, और ये डांसर है आजकल, डांसर है, बहुत अच्छा डांस कर रही है। देखो अभी देखती रही है एक मिनट का डांस। ओके कुछ बोला क्या पूरा। वो मेरा जूनियर है, जूनियर है तुम्हारा भी वीडियो हमेशा कर देगा, ऐसा कर देगा। वो मेरा जूनियर है, जूनियर टिकी उसका। अभी हम अंदर जम से कभी वीडियो करेगा बाद में। तुम बहुत गाले लग रहे आज भाभी को गाले पे। बस करो तुम, बस करो। आज वीडियो मत बना बोला, ये मेरा आज मेन शिकार। अरे भाई हाय करो ना। आज पे नहीं शिक्त है दी कि ना मिशिक क्यों बोल रहे।
干的没肉。 Makan dong soya nih, makan nih, tiu tiu kan nih, soya ya, tiu tiu bro. Leki na dirtva. Teba ne gonya da. Benzin soyutan çıkıyor ki keserler. Yuvra mıydı? Yap davayam. Açı. Açı. Dans ne dans ka kiti unyak pa da. Wow. So nice. Meta wa so. Bahut kuch kehne ke liye na. Waise hum to direct hote rahenge and then is bhashan wo jo bhi ho matlab chalte bhi rahenge. Lekin sabse pehle wo ye objective na udeshy hai. Sabse pehle kyun manata hai iske upar bhi hum do din karna chahenge. और मेरा जो जूनियर बापू भाई राकेश भाई और सबको सीनियर जूनियर सबको मैं स्वागतम जो समारोह है इस पर मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा. जैसे मैंने कहा कि हमारा जो उद्देश्य क्या है कुछ किसी भी चीज़ को आयोजित करने से पहले कुछ भी कार्यक्रम हम करने से पहले उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है ना. और मेरा उद्देश्य ये रहा है कि अभी स्पेशल मीट में सिर्फ नॉट ओनली फॉर एंजॉयमेंट ना स्पेशल भी सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए भी नहीं होता है मैं ऐसा मानता हूँ. ओके एंड देन वी ऑल आर
वेरी फार फ्रॉम आवर होम, तो ऐसा में क्या होता है कि इनकरेक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रेशर मीट में आगे गाना गा देना, डांस कर देना, एंड देन कुछ चिलकुला वगैरह सुना देना, वहाँ तक सीमित है क्या प्रेशर मीट? अगर है बोलने से मेरे इन माई ओपिनियन वहाँ तक सीमित नहीं है, है ना? प्रेशर मीट मनाने का मतलब ये होता है कि कल को इनकेस कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग क्या है कि सबको सपोर्ट करना है। मैंने फिर ये बताया कि हम लोग क्या है कि बहुत दूर से आपके यहाँ पर सब लोग यहाँ बैठा हो, तो ऐसा में अगर कल किसी को उसको किसान को प्रॉब्लम होने से हम लोग सब उसको सपोर्ट करना है ना, नॉट ओनली फॉर बुकी ना ऐसे ह्यूमन बींग। तो ये अभी हमेशा आपको कहता है कि हमको जितना हो सके दूसरे हेल्प करना है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो मेटेरियल्स कलेक्ट करने में हो, चाहे वो ना एनी वेयर ना, हम उसको मदद करने के लिए सोचना है, क्योंकि कह रहे कि हम सब बहुत दूर से आया हुआ है, तो ऐसा में बहुत सा प्रॉब्लम होता है ना, बहुत सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस बॉन्डिंग को अगर इस बॉन्डिंग को हम लोग बांध के रखेगा तो हमेशा के लिए क्या है कि हम खुद को पता नहीं होता है, आप देख सकते हैं ना, तो इसीलिए क्या है कुछ केयर करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए ये क्या है, ये उद्देश्य था। तो जब मैंने जहाँ भी किसी में ज्वाइन करने का बाती सबसे पहला ये बुद्धिस्ट का ये नाम से शुरू हुआ है ना, इसको आप जारी रखना है जो जूनियर से है ना, इसमें बहुत सारा प्रोग्राम होता है, जैसे हम लोग एक मतलब टाइप से बुद्धिस्ट होने के नाते भी हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, ऐसे हम लोग हेल्प ही नहीं कर पाते, एक दूसरे को जानने का तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते, तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य है, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। एंड देन भगवान ने कहा कि जो कल्चर जो संस्कृति ना, हम ये नहीं बोल रहे कि हम भी ये नहीं बोल रहे कि आई डोंट पैसे अवर कम्युनिटी, लेकिन थोड़ा हटके हम लोग ना, हम लोग जो बुद्धिस्ट जो फैमिली है उसका थोड़ा अलग है, उसका फीचर है ना, क्योंकि इसलिए अलग है क्योंकि हम लोग कुछ भी करने से पहले हम लोग अदर पर सोचते हैं, लेकिन समता है करने के बाद सोचता है ना, जैसे कुछ कर लेते हैं इसके बाद जेल में जाके वो सोचता है कि अरे ये काम अगर पहले हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बुद्धि हम लोग कभी भी क्या है कुछ काम करने से पहले हम लोग हजार बार सोचता है, तो ये चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि द मनी मैन एंड इम्पोर्टेंट ना, संस्कार इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो हमारा संस्कार इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये संस्कार कहाँ से आते हैं, ये संस्कार हम टीचर से नहीं सीख सकते, सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने माँ पिता से सीखते हैं, तो ये बहुत इमोशनल हो रही है इट्स ओके मात्र अभी खा रहे सब लोग, और ये आया दवा।